हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमवी वर्ल्ड फैक्ट पर। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं, वहां अगर आप हॉट एयर बैलून से धरती को देखने निकलेंगे तो इस देश का एक शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। यहाँ के कानून में यह प्रावधान है कि अगर आप आर्थिक रूप से अमीर हैं तो अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इस अद्भुत देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीजों को खाई जाती है। आज भी गुफाओं में रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या इस देश में ही है। यहाँ 3 करोड़ से अधिक लोग गुफाओं में रहते हैं। यहाँ के डोंगयांग शहर के लोग बच्चों के पेशाब यानी उसके यूरिन में उबले अंडे खाते हैं, जिन्हें वर्जिन एग कहा जाता है। इस देश में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि यहाँ बॉडी फिशर की नौकरी भी मिल जाती है। इन लोगों का काम नदी में से डेड बॉडी को निकालने का होता है। दोस्तों, यहाँ पर चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड्स नेस्ट या बर्ड्स नेस्ट सूप भी कहते हैं। ये सूप करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। यहाँ के एक शख्स ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि वो बदसूरत थी, और उसने केस जीत भी लिया। पति का दावा था कि पत्नी की बदसूरती के कारण उसके बच्चे भी बदसूरत हो गए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नजर आए तो समझ जाओ कि उस पर चीन का अधिकार है। इस देश ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है। इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक माना जाएगा। आइसक्रीम का आविष्कार इटली में नहीं हुआ था, इसका आविष्कार 4000 साल पहले यहाँ हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स टॉयज यहीं पे बिकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना देश के बारे में। चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स ऑफ रिपब्लिक। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और पहले के समय में बीजिंग को दादू, पांजिम और बिपिंग के नाम से जाना जाता था। समय के साथ साथ इसके नाम में भी कई बदलाव हुए और अब यह बीजिंग के नाम से प्रसिद्ध है। चाइना देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है और ये पूरी दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश है। और इस देश का कुल क्षेत्रफल 93 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। चाइना की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने मात्र 30 सालों में चीन का काया पलट कर दिया। चीन के लोगों को मेहनत के दम पर आज चीन विश्व का दमदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चाइना में शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं शहर में 61.43% लोग रहते हैं तो वहीं गांव में सिर्फ 38.57% लोग ही रहते हैं। चीन दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर देश और नंबर 3 इंपोर्टर करने वाला देश है। चीनी की डॉल्फिन जो दक्षिण चीन के दूर रहती है, ये असल में गुलाबी रंग की होती है। पृथ्वी पर जितने सुअर हैं उनमें से आधे चीन में रहते हैं। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन है और यहाँ पे बुद्धिज्म, ताओज़्म, कैथोलिज्म और इस्लाम जैसे धर्म है। चाइना की करेंसी को युआन, रेनमिनबी के नाम से जानते हैं। चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। यहाँ स्टील, कपड़े और खिलौने का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। कैपिटल बीजिंग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 2रा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट और एशिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। चीन में यदि आपके माता पिता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको नियमित रूप से उनसे मिलने जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना वहाँ अवैध है। फीफा के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का आविष्कार चीन में 2000 साल पहले हुआ था। चीनी लोग बहुत झूठ बोलते हैं, वे अपनी नौकरी, परिवार के बारे में झूठ बोलते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि चीनियों ने ईसा से 2री सदी पहले ही जान लिया था कि खून हमारे पूरे शरीर में निरंतर चक्कर लगाता है, जबकि यूरोप में इसकी खोज विलियम हार्वे ने 15वीं सदी में की थी। चीन के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, बड़ा सितारा साम्यवाद का प्रतीक है और सभी छोटे सितारे चीनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन का सबसे लोकप्रिय खेल पिंग पोंग है, जो दुनिया भर में टेबल टेनिस के नाम से जाना जाता है। चीन में कुछ शहर इतने खाली पड़े हैं कि उन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। चीन में हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चीनी में यह स्वादिष्ट भोजन के नाम पर होता है। चीन में कुत्ते की मांस खाने की परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। चीन में हर साल ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है।
चीन की संघाई शहर में 2010 में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा। यह जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। दुनिया भर में चलने वाली सोशल साइट चीन में चलाने पर पाबंदी है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और YouTube जैसे विदेशी सोशल साइट, और वो इनके बजाय अपने खुद के देश में बनाया हुआ ऐप और वेबसाइट यूज करते हैं। दुनिया में पहली बार नकली चावल भी चीन में बनाया गया। वैसे चीन का ये बिजनेस दूसरे देशों को चावल में मिलावट करने देना था, पर इसे खाकर सबसे ज्यादा बीमार लोग चीन में ही हुए थे, जिनमें से कईयों के तो मौतें हो गई। चीन अकेला एक ऐसा देश है जिसके बॉर्डर सबसे ज्यादा देशों के साथ चिपके हुए हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया, लाओस, मंगोलिया और वियतनाम है। धर्म से नफरत करने वाला सबसे बड़ा और सबसे क्रूरता से पेश आने वाला देश भी चीन ही है, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल तोड़े जाते हैं और दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को चीनी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। चीन के लिए लाल रंग खुशी का प्रतीक है और चीनी त्यौहार और कई अन्य समारोह में उपयोग किया जाता है, जैसे जन्मदिन और शादियों में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। इस दीवार को 1970 में आम टूरिस्टों के लिए खोला गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है ये। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल भी किया गया था। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है, एक हफ्ते का रेट जो 2000 रुपए के करीब होता है। तो दोस्तों, है ना ये एकदम ताजुब की बात। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको चाइना के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।